जय श्री सीताराम। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और शनि देव लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो क्या फल देंगे, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखें, ज्योतिष से संबंधित ऐसे वीडियोस और ऐसे वीडियोस जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर, समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ऑलरेडी YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में अवेलेबल है, बिल्कुल पहले से अवेलेबल है और आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर उन वीडियोस को देख करके बन सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा और फिर कई सारी रिक्वेस्ट थी कि सर नए तरह से हम और चाहते हैं ज्योतिष सीखना। तो देखिए, सिद्धांत तो वही रहने वाले हैं, नियम तो वही रहने वाले हैं, फॉर्मूले सूत्र तो वही रहने वाले हैं, लेकिन शब्द चेंज हो जाने वाले हैं, यहाँ पर बोर्ड आ जाने वाला है और कुछ बातें हो सकता है मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर बता दूं उन वीडियो से भी ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक अलग से आपको और सीरीज देना चाहिए। तो ज्योतिष सीखने की सीरीज को हमने शुरू कर दिया है और अब हम आ चुके हैं शनिदेव पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें भाव तक कैसे फल देंगे ये तो हमने देख लिया। आज हम बात कर रहे हैं लग्न कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि अष्टम भाव होता क्या है। अच्छा, भाव क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। कई सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ मतलब ये पहला भाव है, या फिर यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है तो ये पहला भाव है। नंबर से भाव नहीं होते। हाँ, नंबर का मतलब होता है राशि। देखिए, 12 राशियां होती हैं, मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियां होती है, तो उनको नंबर दे दिया गया। भाई देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा मेष, फिर लिखूंगा वृष, फिर लिखूंगा, तो बेहतर ये है कि मैं लिख दूं 1, 2, 3 ऐसा। तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है, केवल इतनी सी बात है नंबर्स की। तो चूंकि 12 राशियां होती है तो हर राशि को एक एक नंबर मिला हुआ है। जैसे मेष को एक नंबर मिला है, मीन को 12वां नंबर मिला है। इस प्रकार से नंबर राशियां होती है, भाव नहीं होते। भाव तो हमेशा यही होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, हमेशा पहला भाव यही रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फिर एक, ठीक है। तो 8वें भाव में शनिदेव बैठे हैं। अब मैं पूरे सीरीज में ये बात समझा रहा हूं कि कोई भी ग्रह जिस लग्न कुंडली में बैठेगा उस लग्न कुंडली के आधार पर अपने रिजल्ट्स देगा, मारक और कारकत्व के आधार पर रिजल्ट देगा, या फिर यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा एक नंबर से लेकर 12 नंबर तक उस आधार पर रिजल्ट देगा। अभी तक के वीडियोस में मैं यही बात सिखाते आया हूँ, समझाते आया हूँ। निसंदेह यहाँ पर भी कोई ना कोई लग्न की कुंडली बनेगी, कोई ना कोई नंबर यहाँ पर भी लिखा होगा, लेकिन मैंने पहले भी ये बात समझाई है और अभी भी यही बात समझाऊंगा कि लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर यदि शनिदेव बैठेंगे और शनिदेव की महादशा चलेगी तो सामान्यतः शनिदेव अपने खराब फल देंगे। जी हाँ, सामान्यतः शनिदेव के आपको खराब फल ही देखने को मिलेंगे। क्या खराब फल मिलेंगे उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके भी पहले ये समझते हैं कि सामान्यतः शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ। तो सामान्यतः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विशेष परिस्थितियां भी कुछ होती हैं जिनमें शनिदेव अपने अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वो विशेष परिस्थिति, मान के चलें कि मैं 100 कुंडलियां देखता हूं और 100 कुंडली में शनिदेव अष्टम स्थान पर बैठे और शनि की महादशा चल रही है और उन 100 कुंडलियों में विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है, विपरीत राजयोग जैसा स्थिति लग रहा है, तो केवल 5 कुंडलियों में ही उसके अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम या राजयोग वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। वो विशेष परिस्थिति है विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग क्या होता है इस पर भी वीडियो बना हुआ है, मैं और समझा दूंगा, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि 6वें, 8वें और 12वें भाव का जो स्वामी है वो यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव में आकर के बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। जैसे 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, अब 10 नंबर के स्वामी कौन है? मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि। तो 6वें भाव के स्वामी 8वें भाव में आकर के बैठ गए, 6वें, 8वें, 12वें भाव का स्वामी कहीं पर भी 6वें, 8वें या 12वें भाव में कहीं पर भी बैठ जाएगा, ये विपरीत राज्यों की स्थिति हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त यह है कि लग्नेश का अच्छा होना बेहद जरूरी है।
अब ये शर्तें जो है, फिर शनिदेव का मजबूत होना जरूरी है, फिर शनिदेव का सूर्य से अस्त या किसी और प्रकार से दूषित होना भी नहीं चाहिए। तो ये जो शर्तें होती होते होते 100 में से 5 ही कुंडलियां ऐसी रह जाती है जिनमें विपरीत राजयोग बनता है। बनता जरूर है लेकिन वो बहुत कम बनता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सामान्य तो शनिदेव यदि लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर बैठेंगे तो अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। अब समझते हैं नेगेटिव रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, कोई सा भी लग्न हो, कोई सी भी राशि हो, हाँ बस विपरीत राजयोग की स्थिति ना बने तब तक। तो क्या नेगेटिव रिजल्ट देंगे? अच्छा, उसके एक पहले और एक बात मैं समझा देता हूँ। अष्टम भाव है क्या, या आठवें भाव में शनि बैठे, आठवां भाव है क्या? तो यह है चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन और मृत्यु का स्थान। भाई मृत्यु सबसे ज्यादा भयंकर, डरावनी यदि कोई चीज है तो मृत्यु है ना? तो वो है। साथ ही साथ शनिदेव जो है वो जहां बैठते हैं वहां तो अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन उसके अलावा और 3 जगहों पर अपना प्रभाव डालते हैं। कौन सी 3 जगह? इसको हम कहते हैं दृष्टि। तो शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। यह मैं कैसे कह रहा हूं, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि, 8, 9, 10 ये एक नियम है। ये एक नियम है कि भाई शनिदेव की दृष्टि ऐसी है ना, तो यहां पर भी शनिदेव अपना प्रभाव डालेंगे। शनिदेव कौन है? तो शनिदेव जो है वो डिले या देरी को रिप्रेजेंट करते हैं, न्याय के देवता हैं, लेकिन लेकिन देरी से काम करना, डिले काम करना, हाँ इसे दर्शाते हैं। तो इंसान को जब शनिदेव की महादशा चलती है तो वह इस प्रकार की शिकायत जरूर करता है कि सर हमारे जीवन में सारे कार्य जो भी ले लो आप, पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, परिवार बसना, सारे कार्य जो हैं वो डीले हो रहे हैं। स्वास्थ्य की हानि, देखें मैंने कहा था कि ये स्थान जो है चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन का स्थान है, तो यहाँ पर चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियाँ जो हैं वो बनती हैं। हाँ, और इंसान जो है चिंतित ज्यादा रहता है या सोचता ज्यादा है। हाँ, कई बार क्या होता है कि शनिदेव का प्रभाव लग्न कुंडली के द्वितीय स्थान पर पड़ता है, द्वितीय स्थान वाणी का स्थान होता है, तो कई बार चिंता, तनाव, एंजाइटी में आकर के इंसान झल्ला जाता है और झल्ला करके कुछ गलत या अपशब्द या फिर कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जिससे उसकी वाणी उग्र हो जाती है और उससे परिवार, ये परिवार का भाव भी है, उससे उसके परिवार में भी कहीं ना कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं शनिदेव की महादशा में। काम काज, देखिए बिजनेस तो ऐसी स्थिति में किया ही नहीं जा सकता यदि लग्न कुंडली में शनि अष्टम में बैठे हैं, शनिदेव की महादशा चल रही है, बिजनेस तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं करता हूँ। नौकरी की सलाह जरूर करता हूँ, लेकिन नौकरी में भी चीजों में डीले होना, प्रमोशन डी है तो डीले पे डीले हुए जा रहा है या उतना इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, इंसान जो है थोड़ा सा ना आलस्य या फिर मूढ़ी व्यक्तित्व का भी जरूर हो जाता है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, नेगेटिव बात है कि एक पॉजिटिव भी है, एक पॉजिटिव भी है, चाहे किसी भी लगन में हो, किसी भी राशि में हो शनिदेव यहाँ पर, लेकिन इंसान की आयु को जरूर बढ़ा देते हैं। भाई मैंने कहा ना ये स्थान मृत्यु का स्थान है, अब जब मृत्यु का स्थान है और मैंने एक बात और कही कि शनिदेव डीले को रिप्रेजेंट करते हैं, देरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई मृत्यु भी तो डीले हुई, मृत्यु भी तो देरी से होने वाली है ना अब। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है कि इंसान की आयु लंबी हो जाती है। हाँ, मृत्यु डिले हो गई, मृत्यु बहुत आगे निकल गई, मतलब इंसान की आयु लंबी हो गई, इंसान दीर्घायु हो गया, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव वाली बात होती है। लेकिन बस ये आयु को छोड़कर के दूसरी स्थितियों में हेल्थ इश्यूज भी कई बार इंसान को पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे संघर्ष का सामना ही करना पड़ता है शनिदेव की महादशा में। अब ऐसी स्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए कि शनिदेव के लिए उपाय करना चाहिए, रेमेडीज करना चाहिए। अब उपाय क्या करें, तो मैं विस्तार से आपको मैंने उपाय बताए एक जगह पर, मैं आपको उस जगह पर जाने की सलाह दूंगा। कहां पर? YouTube चैनल की प्लेलिस्ट VS Astrology। हाँ, यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसी YouTube चैनल, यदि आप इस वीडियो को Facebook, Instagram को या जोश कहीं और देख रहे हैं तो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट, YouTube चैनल VS Astrology की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, उसमें जाइएगा और शनिदेव का वीडियो देख लीजिएगा। शनिदेव के वीडियो में मैंने जैसा 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 बताया है वैसा वैसा फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10 नंबर या फिर 11 नंबर लिखा हुआ है इस जगह पर, मतलब लग्न पर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है, कहने का मतलब मकर या कुंभ राशि, कुंभ लग्न की कुंडली है तो शनिदेव का दान मत करना, क्योंकि लग्नेश का दान नहीं किया जाता। 10 और 11 नंबर लिखा है तभी इस बात का ध्यान रखना है, अन्यथा कोई चिंता की बात नहीं है, जैसा उस वीडियो में बताया है वैसा पूरा का पूरा करिए। हाँ,
उससे आपको शनिदेव के खराब जो विपरीत फल मिल रहे हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी, और निसंदेह आप ये पाएंगे कि चीजें थोड़ी सी लग रहा है कि बेहतर हुई है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि उपायों से भाग्य नहीं बदलते, रेमेडीज आर जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला, उपाय छाता है। बारिश तो भैया जब तक हो रही है जैसी हो रही है वैसी होगी, छाता तो हम लगा सकते हैं, तो उपाय छाता है, तो उस हिसाब से मेरा दिया हुआ छाता, मेरे दिए हुए उपाय बहुत अच्छे हैं, उसे आप जरूर करते चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से शनिदेव के अपने फल मिलते हैं। अब शनिदेव यहाँ पर उच्च राशि के भी हो जाएंगे या जैसे भी हो जाएंगे तो भी कोई बहुत खास फल मिलने वाले हैं नहीं, हाँ बस अगते विपरीत राजू की स्थिति ना बने। विपरीत राजू को जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल की प्ले। देखिए यूट्यूब एक ऐसा ऐसी जगह है जहाँ आप सर्च कर सकते हैं, जैसे इस वीडियो को फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप सर्च नहीं कर पाएंगे। आप यूट्यूब पर जाइए और विपरीत राज्यों कॉमा VS एस्ट्रोलॉजी लिखिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देखिएगा विपरीत राज्यों क्या होता है, हालांकि मैंने अभी आपको समझा ही दिया है। विपरीत राज्यों में शनिदेव है तो ही अच्छे फल देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो शनिदेव के आठवें भाव के फल मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि पसंद आया। आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, हाँ मैं अपने लिए नहीं बना रहा, तो आपके लिए बना रहा, तो आप मुझे बताइए कि पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो फिर कुछ दूसरा शुरू करते हैं, ठीक है। बाबा धन्यवाद, फिर मिलते हैं, जय श्री सीताराम।